एस न्यूज। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर राजेश कुमार के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सर्विलांस सेल बलरामपुर की टीम द्वारा जुलाई माह 2018 में 15 गुमशुदा मोबाइल जो कि स्मार्टफोन थे उनकी बरामदगी कर उनके स्वामियों को सुपुर्द कर दिया गया। इसके अतिरिक्त टीम द्वारा पूर्व में भी 7 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर स्वामियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं। इसके लिए पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा सर्विलांस टीम को 4,000 रुपए का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया है। बलरामपुर से ABPS न्यूज के लिए शैलेंद्र बाबू की रिपोर्ट। काफी दिनों से स्मार्टफोन और मोबाइल की गुम होने की सूचनाएं यहां प्राप्त हुई थी और सभी सूचनाओं को सर्विलांस सेल को संदर्भित किया गया था और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस पर विशेष प्रयास करके इस टीम को इस काम में लगाया गया था कि जितनी भी मोबाइलें हमारे जनपद के निवासियों के पास से गुम हुई हैं, गिरी हैं या मिसिंग हैं किसी भी प्रकार से, उनको रिकवर करने के लिए एक बहुत ही सार्थक प्रयास अधीक्षक महोदय के द्वारा इस टीम को दिया गया था और इस टीम ने अपने टारगेट को बहुत अच्छी तरह से पूरा किया। और जैसा आप जानते हैं कि कुल मिलाकर के 25 जो मोबाइल मिसिंग थे उनको इस टीम के अथक प्रयास से सर्विलांस की मदद से और हमारे स्क्वाड टीम के सहयोग से इनको रिकवर कर लिया गया है और सभी स्मार्टफोन हैं, महंगे फ़ोन हैं और सक्सेसफुली इनको रिकवर करके और इनके जो बोनाफाइड ओनर थे उनको बुला करके आज इस कार्यक्रम में आपके समक्ष इनको सुपुर्द किया गया है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा ये हमारे जनपद पुलिस का, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में हमारी टीम द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनके उत्साहवर्धन के लिए इस टीम को 4,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया है और हमारे जितने भी लोग यहाँ इनके मोबाइल गायब हुए थे आज काफ़ी खुश हैं और ये काफ़ी हमारे समाज में काफ़ी अच्छा संदेश जाएगा इससे कि अगर उनका कोई सामान कहीं मिसिंग होगा, गायब होगा तो पुलिस उसको रिकवर करके एक बहुत बड़े अपने सामाजिक और प्रोफेशनल जिम्मेदारी का वो निर्वाह कर रही है।